हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल M11 एकेडमी। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि PM SSB स्कॉलरशिप में कितने बच्चे फॉर्म भरे थे और कितना बच्चे अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में और कितना का रिजल्ट आया है। और एक बात और बच्चों, SNO के द्वारा 10,000 रुपया मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के लिए। तो यह भी आप लोगों को हम लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। तो जो भी PM SSB स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरे थे, क्योंकि एक बच्चे जो है लगातार जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर कितना जो है एक्यूरेट पास किया है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग के द्वारा जो रजिस्टर्ड जो किया गया था, यानी कि फॉर्म जो भरा गया था, वो 23,852 भरा गया था इन 9th और 11th मिलाकर। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, 9th वाले इतने थे, 11th वाले इतना थे। इसमें से अपीयर जो हुए थे एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे 7,184, और 9th में हुए थे 4,704, और टोटल बात करें तो 11,888 बच्चे जो हैं अपीयर हुए थे। तो इसमें से अब बात आता है कि रिजल्ट कितना का आया है। तो चलिए, रिजल्ट पर भी हम चलते हैं। तो देखिए, रिजल्ट हम ओपन कर लिए हैं यहाँ पर 11th वाले का। इसी से हम आइडिया लगा लेंगे कि टोटल कितना जो है यहाँ पर पास हुए हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात आप लोग समझ लिए कि ऑफिशियल कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया गया है कि इतना बच्चे इसमें क्वालिफाई किए हैं। ये आप लोग माइंड मेकअप कर लीजिए। देखिए, मेरे द्वारा जो कुछ जानकारी दिया जाएगा, जो सही रहेगा वही दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे 166 पेज है। जैसे कि यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे 166 पेज है। इसी के द्वारा हम एक अनुमान लगा लिए थे कि बहुत सारे बच्चे जो है क्वालिफाई किए हैं, लगभग लाखों में हम बोले थे। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग उतना बच्चे नहीं हैं। अब बात आता है कि सर आखिर है कितना पास किया हुआ। तो देखिए, सब मिलाकर 11,888 जो है आप लोग एग्ज़ाम दिए थे, और इसमें से 90% बच्चे का रिजल्ट आया, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ 35% पर ही उठाया गया है। तो मैं मानता हूं कि 9 से 10 हज़ार बच्चे जो है आप लोग क्वालिफाई किए हैं PM SSB स्कॉलरशिप में, 9th और 11th वाले मिलाकर। इसमें से अगर आप लोग 5 से 6 के, यानी कि 5 से 6 हज़ार बच्चे भी अगर ट्विटर कंपेन में आ जाते, तो भी आपका ट्विटर जो चल रहा था ट्विटर कंपेन, वो ट्रेंडिंग में आ जाता। लेकिन आप लोग इतना जुड़े ही नहीं, आप लोग में एकता नहीं थी। इसी के कारण जो है नहीं कोई सरकार सुनी आपकी बात। ये 100, 200, 100, 150 से कुछ नहीं होने वाला। ये तो सिर्फ समझ जाता है कि ये तो 100, 150 बच्चा का शामिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग हज़ारों में शामिल होते, 5-6 हज़ार शामिल होते, तो आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सुना जाता, और इसमें से कुछ न कुछ निष्कर्ष ज़रूर निकलता। और जो कुछ SNO DNO या फिर स्कूल वाले जो कुछ बदमाशी कर रहे हैं, आपसे पैसा मांगा जा रहा है, बहुत सारे स्कूल भी तो मांग रहे थे। ये UP वाले एक बच्चे थे जो बोले थे कि सर स्कूल वाले बोल रहे हैं कि हमको इतना पैसा दो तब हम स्कूल से वेरीफाई करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब कब तक चलेगा, ये सब घूसखोरी कब तक चलेगा। इसमें से आप लोगों को जो है, जो भी PM SSB स्कॉलरशिप वाले बच्चे, अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो आपको ऐसा ही आगे भी लूटा जाएगा, और लूटा जाते रहा है। ये इतिहास है कि कोई चीज़ भी आप लोग पहले ब्लॉक में जातिवासी बनाते थे, इतना पर 150 रुपया दो तो तुरंत बना जाता, तो तुरंत मतलब बनाकर दे दिया जाता था। जो पैसा नहीं देता था उसको 10 दिन 20 दिन में आता था। तो ये सब के खिलाफ आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, तभी जो है ये सारी सिस्टम दूर होगा। और इसमें से बात करें कि 9 से 10 हज़ार हुआ है, तो लगभग यहाँ पर 1 अरब रुपया जो है, 1 अरब रुपया जो है यहाँ पर पास हुआ है इस स्कीम में। लगभग बोल रहे हैं, ऐसे तो कैलकुलेट करने पर लगभग 1 अरब से ऊपर ही जा रहा है पैसा, लेकिन 1 अरब ही हम मानते हैं। इतना पैसा जो है इस स्कीम में पास हुआ है, जितना कि पास हुआ है उसके अनुसार से हम कैलकुलेट किए। इसका कोई आप लोगों को प्रूफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कुछ हम कैलकुलेट करते हैं या फिर जो प्रूफ दिखाते हैं, तो सारी चीज़ें हम सही बताने की कोशिश करते हैं। मेरा कोई भी वीडियो में वैसा कुछ नहीं रहता है जो कि आप लोगों को भ्रमित करे। अब बात आती है ट्विटर कंपेन। तो यही सब चीज़ें, स्कूल वाले का घुसखोरी, SNO DNO का लेट वेरीफाई करना, यही सब के लिए मेरे को जो है एक ट्विटर कंपेन चलाने का एक आइडिया आया था। लेकिन आप लोग उसके सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि आप लोग में एकता नहीं थी।
तो चलिए बच्चों अब देख लीजिए कि ये सुनू के द्वारा जो लाइव प्रूफ हम दिखाने का बात किए थे कि पैसा मांगा जा रहा है। देखिए ये बच्चे हैं यूपी का, इनसे मेरे को थोड़ी सी जो है चैट हुई थी। तो ये बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा स्कूल दूसरा था, लेकिन हम दूसरा स्कूल के होते हुए भी उस स्कूल में हम उस स्कूल के नाम से फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम दिए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी हम अप्लाई किए थे और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्कूल के द्वारा हो गया था। अब SNO के द्वारा देखिए बोल रहे हैं, और अब SNO खुद फ़ोन मेरा स्कूल में आया, मैंने SNO के द्वारा स्कूल में फ़ोन आया, उसने कहा कि पेरेंट्स से 10,000 रुपया मांग लो। अब बताइए 10,000 रुपये मांग लो तब यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे। तो अब जो है स्कूल के द्वारा जो है इनको पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो बहुत सारी जो है चीज़ें इन बच्चे गुस्सा में थोड़ा सा बोल रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए तो फिर इनको जो है स्कूल के द्वारा फ़ोन आया है कि आप 10,000 रुपया अगर पेमेंट करेंगे स्कूल में तभी आपका बच्चा का जो है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा और आपका पैसा मिलेगा। तो सोचिए कितनी बड़ी सिस्टम का गड़बड़ी है, या फिर आप जो बोले वो सब सही है, क्योंकि ये जो है ये सरकार की गलती है, सिस्टम की गलती है। ये इस तरह के लोगों को क्यों नियुक्त किया है और इसके ऊपर में क्यों ऐसा ऑफिसर नहीं है कि इस पर निगरानी करे। ये सिर्फ और सिर्फ SNO या DNO के द्वारा, DNO तो खैर डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं, DNO के बाद तो ये तो सारमसार बोले तो ये गलत बात है। DNO PMSSB के लिए नहीं है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का कोई भी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट में DNO नियुक्त नहीं किया गया है PMSSB स्कॉलरशिप के लिए। DNO है तो अल्पसंख्यक यानी कि जो और भी स्कॉलरशिप होते हैं उनके लिए है, DNO आपके लिए नहीं है। आपका स्कूल में जैसे ही वेरीफाई होता है तो डायरेक्ट SNO के द्वारा जाता है और SNO यहाँ पर मनमानी करके आप लोगों से पैसा लिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी PMSSB स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं आप लोग एक बार सहमत दिखाइए, मैं फिर से आप लोगों को सहायता करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोग जो है सभी बच्चे जो है आइए एक साथ आइए, मैं जैसे ही देख लूँगा 5-6 हज़ार व्यू जा रहा है तो फिर से मैं एक नई तकनीक अपनाऊँगा। अगर 5-6 हज़ार व्यू नहीं जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले भी ट्विटर कैंपेन चलाने से पहले भी आप लोगों को बोले थे कितना में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग को हम वादा किए हैं कि ट्विटर कैंपेन चलाएंगे तो ज़रूर चला देंगे। तो बच्चे बोले थे कि सर आप ट्विटर कैंपेन चलाओ तो ट्रेंडिंग में मैं लाएगा, मैं बोला कोई बात नहीं है, मेरे को क्या है, मैं बोला है तो आप लोगों को मैं चलाऊंगा। तो ये जो है ये नाकाम हुआ, यानी कि ये हम लोगों का ट्विटर कैंपेन फेल हुआ, इसमें से कोई परिणाम नहीं आया है। मैं हर दिन देखता हूँ कि ब्लू टिक वाले का कोई भी कमेंट आए इस पर, लेकिन कुछ वैसा हो नहीं रहा है। अभी से ही बोलते हैं जो भी PMSSB स्कॉलरशिप वाले, अभी से भी आप लोग ट्वीट में जुड़े रहें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, ताकि जो है 10 दिन में भी आप लोग अगर ले लाते हैं सभी बच्चे इसे ट्रेंडिंग में तो भी जो है आपकी प्रॉब्लम को सुना जा सकता है। वरना एक नई टेक्निक अपनाएंगे, जो कि अगर आप लोग 5-6 हज़ार लगभग 9,000-10,000 क्वालिफाई किए हैं तो कम से कम 6-7 हज़ार भी आप लोग आ जाइए तभी कुछ वैसा सोचा जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर लीजिए, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिए, ताकि आगे की अपडेट भी आप लोगों को मिलती रहे। और आगे भी जो कुछ आप लोग एग्जाम देंगे तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी कारणवश तो आप हमें ज़रूर जो है कॉमेंट करें, आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।